प्रदेश का शिक्षा का बजट 2456 करोड़ से 38,000 करोड़ पर पहुंचा है। जिस प्रदेश की सरकार बजट में शिक्षा पर उचित भार न रखे वो नए प्रदेश का निर्माण, विकसित प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस चीज को पहचान कर इसको अमल में लाए हैं। स्वास्थ्य का बजट लगभग 580 करोड़ था, आज 16,000 करोड़ पर स्वास्थ्य का बजट करा है और मोदी जी की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना इसके अंदर नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान का बजट जो प्राथमिक शिक्षा को इंगित करता है 844 करोड़ से 7,000 करोड़, लगभग 6,650 करोड़, और मध्याह्न भोजन को गिन ले तो 7,000 करोड़ को क्रॉस किया है। एससी एसटी और ओबीसी का बजट बंटाधार जब छोड़कर गए तब केवल और केवल 1,056 करोड़ था। और मैं चाहूंगा कि श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इसका जवाब दें। एससी एसटी और ओबीसी मिलकर बहुत बड़ी जनसंख्या मध्य प्रदेश की आबादी की होती है, आप सिर्फ 1,056 करोड़ खर्च करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 1,056 करोड़ से बढ़ाकर 64,390 करोड़ तक इसको पहुंचाया है। प्रति व्यक्ति आय जो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए द्योतक होती है, आप 11,700 रुपया छोड़कर गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने 11,700 रुपये से बढ़ाकर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 1,40,000 रुपया करने का काम किया है। मैं मित्रों शिवराज जी को यहां पर बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं। 11,700 से 1,40,000 तक प्रति व्यक्ति आय पहुंचाना सारे पैमानों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला विकास है। मोदी जी और शिवराज जी की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को यहां तक पहुंचा है।